हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर 2022 में, यानी करंट अफेयर 2022 के 1 से 15 अप्रैल 2022 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। दोस्तों ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। टॉप 40 ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, साथ ही कुछ फैक्ट भी बताए गए हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वो भी लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सबसे अव्वल राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे अव्वल राज्य जो चुना गया है वह है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस जल पुरस्कार के बारे में आपको बता दें। तो जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वह माता वैष्णो देवी को दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा यह अवार्ड दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला मुजफ्फरनगर यूपी को चुना गया है। जल शक्ति अभियान का नाम कैच द रेन अभियान किया गया है। दोस्तों इसका पहला अवार्ड 2018 में दिया गया था और यह अवार्ड हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, जिसमें यूपी को टॉप राज्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें। मैप में लोकेशन आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। राजधानी लखनऊ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। बात करें स्तनपाई की तो बारहसिंगा यूपी का स्तनपाई है। पक्षी सारस क्रेन है। फूल की बात करें तो पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। वहीं सीता अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीवीआर सिनेमा को किसके साथ मिलाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में पीवीआर सिनेमा को आईनॉक्स के साथ मिलाया गया है। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आईनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर हाल ही में मीराबाई चानू को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता है 2021 टोक्यो ओलंपिक में। 2017 में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक, एशियाई खेलों में 2018 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फास्ट नाम की साइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों फास्ट नाम की साइट ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ऑर्डर को जल्दी से पूरा करने के लिए ये साइट लॉन्च की गई है। दोस्तों जैसे ही लिखित ऑर्डर दिया जाते थे तो उसको पहुंचने में टाइम लगता था, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिए जाएंगे उसे फास्ट नाम की साइट के द्वारा जल्दी से प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन हाल ही में बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जो है वह भुवनेश्वर में 2020 में आयोजित किया गया था। दोस्तों कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आपको बता दें। ये दोस्तों यूनिवर्सिटी गेम्स है, सिर्फ हम बात करें खेलो इंडिया गेम्स की। तो यह पहला इसका संस्करण 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें टॉप हरियाणा रहा है, और 2020 में गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। अब 2021 में पंचकुला में इसका आयोजन किया गया है। पंचकुला आपको पता होगा हरियाणा में है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2021 में बेंगलुरु में और सिर्फ खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 2021 में पंचकुला हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा भेड़िए किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में देश में सबसे ज्यादा भेड़िए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों टोटल 772 भेड़िए मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद बात आता है राजस्थान का नंबर आता है और उसके बाद महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भेड़िए पाई जाती हैं। दोस्तों पहली बार भेड़ियों की गिनती वर्ल्ड लाइफ फाउंडेशन देहरादून के द्वारा कराई गई है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता दें, तो इसे सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट और वन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैप में लोकेशन आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी भोपाल है। मग्गू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान भाजपा से मुख्यमंत्री हैं। 230 विधानमंडल की सीटें हैं। वहीं बात करें राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में।
बात करें अगर पुरस्कार की तो कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, सरोज जोशी, कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। बांधवगढ़ कान्हा किसली, माधव पेंच, सतपुड़ा वन विहार प्रमुख उद्यान है। जलप्रपात में चचाई बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात है। वहीं बात करें बांध की तो बरगी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और बारना प्रमुख मध्य प्रदेश के बांध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में लिविंग रूट को शामिल किया गया है, ये लिविंग रूट किस राज्य में देखने को मिलती है? तो दोस्तों ये मेघालय में आपको मिलेगी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये जो लिविंग रूट है दोस्तों, जड़ें हैं जो जिंदा जड़ें कही जाती हैं, इसका हिंदी मीनिंग होगा जिंदा जड़ें। ये इस प्रकार का रूट यानी एक रोड टाइप सर बना रहता है, ये मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बात आई है मेघालय की, तो लोकेशन मैप में ये देख पा रहे होंगे ये मेघालय है। मेघालय की जो स्थापना या गठन है वह 21 जनवरी 1972 में किया गया था। राजधानी शिलोंग है। राज्यपाल तथागत रॉय है। कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है। लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जा रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस बार जो इसका विजेता है वह ऑस्ट्रेलिया रहा है, उप विजेता इंग्लैंड रहा है और इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। 7 ही बार ऑस्ट्रेलिया ने इस विश्व कप को अपने नाम किया है। बात करें सबसे ज्यादा रन की तो एलिसा हीली ने 509 रन जो ऑस्ट्रेलिया की है सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं तो सोफी ने 21 विकेट लिए हैं जो इंग्लैंड की रहने वाली हैं। तो ये कुछ फैक्ट हुए वुमन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, ये भारत की यात्रा पर आए हैं। भारत ने रुपए कार्ड भी यहाँ पर लॉन्च किया है। इसके अलावा अब भारत का जो यूपीआई सिस्टम है वह भी नेपाल अपनाने वाला है। आईएसए में शामिल हुआ नेपाल। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपको बता दें, रेल नेटवर्क, बिजली ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन नेपाल में किया गया है। दोस्तों बात आई है नेपाल की, तो चलिए आपको बता दें ये लोकेशन देख पा रहे होंगे, नेपाल की हमारा पड़ोसी राज्य है, देश है। इसका मोटो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, ये मोटो है नेपाल का। राजधानी काठमांडू है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी हैं। शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। इंडिया आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 2 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में इंडिया आर्ट फेस्टिवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया विदेश सचिव बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव बनाया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये वर्तमान में नेपाल में भारत के एम्बेसडर हैं, लेकिन अब इन्हें विदेश सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ग्रेमी अवार्ड फाल्गुनी शाह को दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फाल्गुनी शाह को ग्रेमी अवार्ड दिया गया है। दोस्तों इनकी जो कलरफुल वर्ल्ड चिल्ड्रन एल्बम, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। 2015 में रिक्की कंज को यह अवार्ड दिया गया था और इनकी कृति थी विंड्स ऑफ स्कैरम। दोस्तों बात आइए ग्रैमी अवार्ड की, तो आपको बता दें ये कंट्री यूएसए से ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2022 में इसका 64वां संस्करण है। पहला अवार्ड 4 मई 1959 को दिया गया था और ये रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत का पहला सब्जी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी यूपी सब्जी उत्पादन में पहले राज्य स्थान पर आया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आ गया था, लेकिन अब फिर से 2021 में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन पाने वाला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सागर। मध्य प्रदेश का सागर जिला
देश मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है जहां पर एट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। अब ये सर्टिफिकेट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इसका जो फॉर्मेशन है वह 2008 में किया गया था। FSSAI का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके चेयरमैन राजेश भूषण हैं। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने वाला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कॉलेजों में अब भगवद गीता पढ़ाई जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पहले रामचरितमानस को जोड़ा गया था, लेकिन अब भगवत गीता को भी जोड़ा गया है। मिंटो हॉल का नाम हाल ही में मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे हॉल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दशरथ मिश्रा। दशरथ मिश्रा को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इनकी जो कृति है उसके बारे में बता दें तो इन्होंने एक कविता संग्रह लिखा है जिसका टाइटल है मैं तो यहाँ हूँ, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बात आई है इस सरस्वती सम्मान की, तो चलिए आपको कुछ इसके बारे में फैक्ट बता दें। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो पहले विनर थे वह हरिवंश राय बच्चन थे। 22 भाषाओं में यह अवार्ड दिया जाता है। 2020 का अवार्ड शंकर कुमार लिम्बाले को दिया गया था जिनकी रचना थी सनातन। तो ये कुछ फैक्ट हुए सरस्वती सम्मान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में हाल ही में किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु को ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो दोस्तों, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का पहला स्थान गुजरात को दिया गया है। तो ऑप्शन ए गुजरात इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए कुछ और फैक्ट बता दें, तो पहला स्थान तो जैसा कि आपको पता है गुजरात को दिया गया, लेकिन दूसरा स्थान केरल को और तीसरा स्थान पंजाब को दिया गया है। दोस्तों, यह इसका दूसरा संस्करण था। छोटे राज्यों में टॉप पर रहा है गोवा। दोस्तों, कुल 6 मानकों और 27 संकेतकों पर यह जो सूचकांक जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य जो है बिजली कंपनी का प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा की पहुंच शामिल करना है। ये कुछ उद्देश्य और कुछ फैक्ट हुए इस राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के बारे में जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें पहला स्थान गुजरात को दिया गया है। दोस्तों, बात आई है गुजरात की, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे गुजरात की भारत के मैप में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की 29 सीटें हैं गुजरात में। यहाँ का जो राजकीय गीत है वह जय जय गरवी गुजरात है। स्तनपाई एशियाई शेर है। ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का पक्षी है। वहीं बात करें राजकीय फूल की, तो गुजरात का राजकीय फूल गेंदा है। फल आम है और गुजरात का राजकीय पेड़ बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। इमरान खान की जगह ये अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में किसकी जीवनी को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले इन दोनों जनों की जो जीवनी है हाल ही में मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। इनको आपको बता दें, फाल्गुनी नायर नायका की सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल की आज जो मेजबानी है वह 2026 में करने वाला है। इनका आयोजन विक्टोरिया में किया जाएगा।
दोस्तों आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो ये इंग्लैंड, यूके या फिर ब्रिटेन के द्वारा खेले जाते हैं। जो देश गुलाम थे ब्रिटेन के द्वारा, उन्हें वो सभी देश मिलकर यह राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराते हैं या इसमें भाग लेते हैं। इससे पहले 2006 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों 5 बार ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन कर चुका है, 1938 में सिडनी में, और 2018 का भी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया गया था। 2022 में यानी 2022 में वर्तमान में बर्मिंगहम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इसका पहला आयोजन 1930 में कनाडा में किया गया था, जिसमें टॉप यूके ने किया था, और भारत ने 2010 में इसका आयोजन किया था। तो ये कुछ फैक्ट हुए इसके बारे में, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर पोर्टल हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अवसर पोर्टल हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा अवसर पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को भारत के लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों नीलमणि फूकन को ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नीलमणि फूकन को 56वां अवार्ड दिया गया है 2022 में। असम में समारोह में पहली बार इसका आयोजन किया गया है दोस्तों, और ये नीलमणि फूकन तीसरे असामी होंगे जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बताइए ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो चलिए आपको कुछ इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें। ज्ञानपीठ अवार्ड का पहला अवार्ड 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया था। अब तक कुल 62 अवार्ड दिए जा चुके हैं। दोस्तों 2022 में दामोदर मौजी को यह अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की 1 से 15 अप्रैल 2022 के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया था तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेरी होती तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं अकेला इस वीडियो को बनाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।